गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज मैं आपके सामने इंग्लिश का एक नया अध्याय लेकर आया हूँ, अंग्रेजी का एक लेसन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस मतलब संबंध सूचक अव्यय, यानी पूर्व सर्ग। आइए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। प्रीपोजिशन वो शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाता है। आमतौर पर इसे किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। ध्यान रखिए, आमतौर पर इसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले स्थित किया जाता है। एक बात और, जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो संज्ञा या सर्वनाम उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ में आ गया बात? अब आइए मैं इंग्लिश में आपको समझाता हूँ। प्रीपोजिशन इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विथ अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द नाउन आर प्रोनाउन यूज विद द प्रोपोजिशन। द नाउन आर प्रोनाउन यूज विद द प्रोपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। आइए मैं विस्तार से समझाता हूं। ये वो शब्दों के समूह है या शब्द है जो कि सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच में संधि का काम करता है, यानी संबंध का काम करता है। तो आइए मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कैसे। एग्जाम्पल के तौर पर, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं। तो यहां पर प्रीपोजिशन है फ्रॉम और नाउन है दिल्ली, जो कि फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। फ्रॉम का ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं। तो फ्रॉम क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया और नाउन है दिल्ली, यानी दिल्ली के पहले इसे स्थित किया गया है, इसे रखा गया है। और फ्रॉम का ऑब्जेक्ट कौन क्या है? दिल्ली है। आगे बताता हूं, राम डिपेंड्स ऑन यू। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। राम तुम पर निर्भर है। राम तुम पर निर्भर है। यहां है प्रोपोजिशन क्या है? ऑन। प्रोनाउन है प्रोपोजिशन ऑन है और प्रोनाउन क्या है? यू। प्रोनाउन क्या है? यू, जो कि ऑन का ऑब्जेक्ट है। ऑन का ऑब्जेक्ट है। ऑन का ऑब्जेक्ट है। आइए सभी प्रोपोजिशंस को एक एक करके बताते हैं और समझाते हैं। इस वीडियो में आपको सिंपल सेंटेंस, टेंसेस, मॉडल्स बताएंगे और सलाह है कि आप इसे ध्यान से सुने। मैं हर एक प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा, हर एक प्रीपोजिशन के बारे में। आइए फ्रॉम यानी से, इसके फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से। उदाहरण देखते हैं, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से आ रहा हूं। यहां फ्रॉम प्रीपोजिशन है। दूसरा एग्जाम्पल है, दे केम फ्रॉम पार्क, वे पार्क से आए। तो फ्रॉम यहां भी प्रोपोजिशन है। अब पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय के साथ, समय के साथ। एग्जाम्पल में बताता हूं, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा। से, मैं कल से काम करूंगा।
राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, राम 10 बजे से काम करेगा, से 10 बजे से काम करेगा, यानी राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock. किसी स्रोत यानी फ्रॉम एनी सोर्स, उसके एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ड इट फ्रॉम राम, मतलब मैंने राम से ये सुना. आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मैंने ये किताब से लिखा, फ्रॉम माने से. अब दूसरा वर्ड है ऑफ, OFF, ऑफ. आइए इसको भी बताता हूं मैं. अगर मैं कहूं कि पेन को टेबल से उठा लो, तो जब पेन उठाया जाएगा तो वो टेबल की सतह से अलग होगा. इसी तरह मान लो कहता हूं कि बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर पेड़ की सतह को छोड़ेगा. वाहन से उतरते समय गेट ऑफ कहते हैं. कभी सोचा है कि ऑफ क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उतरते समय हम वाहन की सतह को छोड़ते हैं, यानी वाहन की सीट को छोड़ते हैं. इसी तरह किसी हवाई जहाज के एयरपोर्ट से उड़ने को टेक ऑफ कहते हैं, इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट से उड़ते वक्त हवाई जहाज एयरपोर्ट की सतह को छोड़ता है, एयरपोर्ट की जमीन को छोड़ता है. अंग्रेजी में कहेंगे लीविंग अ सरफेस. इट मे बी ए पेन लीविंग द सरफेस ऑफ टेबल वाइल्ड बींग पिक्ड अप. अ मंकी लीविंग द सरफेस ऑफ ट्री वाइल्ड जंपिंग फ्रॉम देयर. वी लीविंग द सरफेस ऑफ अ व्हीकल वाइल्ड गेटिंग ऑफ. आर अ प्लेन लीविंग द सरफेस ऑफ एयरपोर्ट वाइल्ड टेकिंग ऑफ. एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको. आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड. मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, यानी सतह बिस्तर से अलग कर दिया. मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया. आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन. मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूं. तो हमेशा लेयर यानी सतह को छोड़ने वाली बात हो रही. मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री. बंदर पेड़ से कूदा, यानी पेड़ की सतह को उसने छोड़ा. मूव द कप ऑफ द टेबल. OFF. टेबल से कप हटा दो. अब आइए मैं अगला वर्ड बताता हूँ. सिंस, इसका मतलब भी से होता है. सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है. जब भी कभी वाक्य में रहा है, रही, रहे का प्रयोग हो, तो इसमें सिंस का इस्तेमाल किया जाता है. सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म. जैसे सिंस कहेंगे सिंस 2 AM या 2 PM या 2 o'clock या 3 o'clock. सिंस का इस्तेमाल सालों के लिए भी किया जाता है. सिंस 1998, 2005, 2009, 2012. और सिंस का इस्तेमाल दिनों के नाम के भी आगे किया जाता है. सिंस मंडे, ट्यूजडे एंड सो ऑन. सिंस संडे, इस तरीके से. सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून या सिंस नाइट. तो ये टाइम के साथ में देखिएगा. सिंस एस्टरडे माने कल. सिंस डे बिफोर एस्टरडे यानी
बीते हुए कल को बार परसों जिसे कहते हैं, सिंस बिफोर एस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड बचपन से, सिंस बर्थ यानी जन्म जन्म से। तो मैं ये आपको टाइम के बारे में बताता हूँ। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। यानी यहाँ भी टाइम का जिक्र है, टाइम हो या साल हो, दिन हो या कोई पहर हो, या दिन का कोई टाइम हो, दिन का कोई टाइम हो या दिन कल परसों या आने वाले हो, या बचपना हो या जन्म से, तो वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। सिंस प्रीपोजिशन है। आइए फॉर के लिए बताता हूँ। फॉर माने भी से होता है, फॉर मीन्स से। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय, वहाँ निश्चित समय था, यहाँ अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ होता है। जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग हो तभी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या कहेंगे? फॉर 2 seconds, या कहेंगे फॉर 2 minutes, फॉर 2 hours, फॉर 2 days। अनिश्चित, 2 weeks, 2 months, 2 years, 2 centuries। और या कहेंगे फॉर ए लॉन्ग, काफी देर से, फॉर ए वाइल, फॉर अ वाइल, कुछ देर से, फॉर मेनी डेज या फॉर मेनी आवर्स, फॉर मेनी मंथ्स, फॉर मेनी ईयर्स। एग्जाम्पल देखिएगा, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मेनी डेज, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। अब आप आगे इसका फॉर के लिए बताता हूँ। फॉर एनी पर्पस, पर्पस जब होगा तब भी फॉर का इस्तेमाल करने किया जाएगा। जैसे पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पैसों के लिए या किताब के लिए। तो मैं बताता हूँ, आई डिड इट फॉर यू, आई डिड इट फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। ही केम टू मी, ही केम टू मी फॉर मनी, वो मेरे पास पैसों के लिए आया, पैसों के लिए आया। अब मैं बताता हूँ, किसी चीज़ के बदले कुछ और चीज़ जब होती है, कोई दी जाती है, ली जाती है, तो वहाँ भी फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एक्सचेंज। अगर मैं कहूँ कि मैंने 20 रुपये की किताब खरीदी, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 20 रुपये के बदले में किताब ली। सोचो अगर किसी ने मुझे मेरे 2 मोबाइलों के बदले में मुझे कंप्यूटर दे दिया, तो यह भी तो किसी चीज़ के बदले कुछ और लेना ही है। तो यहाँ भी फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। आई गेव अ मोबाइल फॉर ₹500, मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया। ही बॉट अ पेन फॉर ₹5, उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। तो यहाँ लेन देन की बात उसके बदले में। आइए मैं इनका भी प्रपोजिशन, इनका भी इस्तेमाल करना बताता हूँ। समय के साथ विद टाइम, 2 साल में इन 2 years, 1 दिन में इन 1 day, 2006 में यानी इन 2006, सालों की बात हो रही है, 2012 या 2012 को क्या कहेंगे, इन 2012, गर्मियों में इन समर्स, सर्दियों में इन विंटर्स, सुबह में इन द मॉर्निंग, शाम में
इन द इवनिंग, किसी महीने में, इन एनी मंथ, जैसे जनवरी में, इन जनवरी, मार्च में, इन मार्च। आइए उदाहरण देता हूँ, यानी एग्जाम्पल बताता हूँ। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, मैं जनवरी में पैदा हुआ था। ही विल कम फ्रॉम, ही विल कम होम, ही विल कम होम इन 2025, वो 2025 में घर आएगा। आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009, मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी। इन जून, इन। आई विल लीव इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में निकलूंगा। इनका और भी जगह इस्तेमाल किया जाता है, विद लार्ज प्लेसेस, यानी बड़ी जगह के साथ, जैसे कंट्री, सिटी, टाउन एसेट्रा, यानी देश के लिए या किसी शहर के लिए। लंदन में, शाद्रा में, बाजार में, देहरादून में या दिल्ली में। यहाँ पे क्या कहेंगे, इन लंदन, इन शाहदरा, इन देहरादून, इन दिल्ली। क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल ऐसे होंगे, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ही विल स्टडी इन अमेरिका, वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। बड़ी जगह है सारी। किसी वस्तु के अंदर, वहाँ पे भी इनका इस्तेमाल करेंगे। इन सम ऑब्जेक्ट, जैसे जग में, किताब में, मोबाइल में। इन जग, इन बुक, इन मोबाइल। कैसे, एग्जांपल देखिए। आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल, मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। वी हैव रेड इट इन बुक, वी हैव रेड इट इन बुक, हमने ये किताब में पढ़ा है। आगे मैं बताता हूँ इनटू का प्रयोग। इनटू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, गतिशील अवस्था के लिए, जिसमें मोशन हो। अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो अंदर घुसते वक्त की स्थिति को इनटू कहेंगे, क्योंकि उस वक्त मैं गतिशील अवस्था में हूँ, यानी चल रहा होगा, गतिशील माने चलता हुआ। जैसे पोर द कॉफी इनटू द कप, जब कॉफी को कप में डालते हैं तो कॉफी वहाँ मूव कर रही होती। पोर द कप, पोर द कॉफी इनटू द कप, कॉफी को कप में डालो। ही इज गोइंग इनटू द रूम, वो कमरे में जा रहा है। आगे मैं बताता हूँ बिफोर। बिफोर भी एक वर्ड है जो कि प्रीपोजिशन कहलाता है। आइए इसको यूज करना सीखें। 2 बजे से पहले, शाम से पहले, मुझसे पहले, मेरे कहने से पहले, क्या होगा, बिफोर 2 o'clock, बिफोर इवनिंग, बिफोर मी, बिफोर आई से। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, ये ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। आई विल कम बिफोर यू लीव, मैं तुम्हारे निकलने से पहले जाऊंगा, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊंगा। आई विल कम, मैं पहले आऊंगा, कैसे, बिफोर यू लीव, बिफोर यू लीव, तुम्हारे जाने से पहले। इसको इस तरह हिंदी में बोलेंगे, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊंगा। बिफोर का अर्थ भी होता है सामने। आपको ताज्जुब होगा, क्योंकि सामने को तो इन फ्रंट ऑफ कहते हैं, पर अब मान लीजिए कि बिफोर भी कहते हैं। और बिफोर का एग्जांपल सुनिएगा। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड,
वो अपने पापा के सामने बैठा था। आइए अगले एग्जाम्पल देखिए। आफ्टर, आफ्टर माने बाद में। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई विल मीट यू आफ्टर टेन। मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा। आई रीच्ड आफ्टर देम, मैं उनके बाद पहुंचा। आई रीच्ड आफ्टर देम, मैं उनके बाद पहुंचा। किसी के पीछे पड़ना, वहां भी आफ्टर होता है, जैसे पुलिस का चोर के पीछे पड़ना, किसी को पाने के लिए पीछे पड़ना। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस चेजिंग थीफ, चेज समवन या समथिंग टू अक्वायर, मानी पाने के लिए। आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प, आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प, मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। ही वॉज अननेसेसरली आफ्टर दैट गर्ल, वो बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। माई फादर हैज डिनाइड थ्राइस बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम, मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया है पर मैं अब भी उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। तो आफ्टर का मतलब पीछे पड़ना। आइए अगला वर्ड देखते हैं, बाई। बाई माने इन पैसिव वॉइस में, बाई का माने होता है राम के द्वारा या किसी के द्वारा, बाई राम या बाई समवन। एग्जाम्पल देखिएगा, आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन, मुझे किसी के द्वारा रोका गया। ही कैन बी सेंट बाई हिज फादर, उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। से का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है से। आइए किसी वाहन से सफर करते समय भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रेवल बाई सम व्हीकल, बस से, कार से, प्लेन से। क्या बोलेंगे, बाई बस, बाई कार, बाई प्लेन। क्या होगा, आई ट्रेवल्ड बाई बस, मैंने बस से यात्रा की। ही इज कमिंग बाई नून फ्लाइट, वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। अब बाई का मतलब तक भी होता है, तक समय के साथ, केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। विद टाइम ओनली इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी 2 बजे तक, सुबह तक, बाई 2 o'clock या बाई मॉर्निंग। आइए एग्जाम्पल देखिए, आई विल लीव बाई 4 o'clock, मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। ही विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग, हम वो सुबह तक ये काम खत्म कर लेगा। ही विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग, वो सुबह तक खत्म कर लेगा। अब बाई का मतलब होता है बगल में, बगल में के लिए बाई के अलावा बिसाइड, नेक्स्ट टू या एडजेसेंट का भी प्रयोग करते हैं, जो आप आगे मैं आपको बताऊंगा। आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। आगे का उदाहरण देखिएगा, विद के साथ में, विद माने होता है से, बाई माने से होता है, विद माने भी से होता है। किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना, जब किसी चीज का प्रयोग करते हैं और उसे कुछ काम निकलता है तो हम कहते हैं विद का इस्तेमाल करते हैं। परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग, जैसे चाकू से, पेन से, तलवार से, विद अ नाइफ, विद अ पेन, विद अ सोर्ड। कैसे एग्जांपल देखिएगा, आई कट द केक विद अ नाइफ, विद अ नाइफ, आई कट द केक विद अ नाइफ।
मैंने चाकू से केक काटा। ही रोट द लेटर विद ए ब्लू पेन। उसने नीले पेन से पत्र लिखा। ही किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन। उसने पत्थर से चिड़िया मारी, यानी पत्थर का इस्तेमाल किया। अब मैं साथ का इस्तेमाल, विद माने साथ भी होता है, तो किसी के साथ, accompany someone or something, उदाहरण देखेंगे और इसे समझेंगे। उदाहरण जैसे राम के साथ, तुम्हारे साथ, किसी वस्तु के साथ आदि आदि, यानी विद राम, विद यू, विद अ लिटिल, विद ए लिटिल थिंग या एनी थिंग। आई एम विद राम इन दिस मैटर। आई एम विद राम इन दिस मैटर। मैं इस मामले में राम के साथ हूँ। वी विल बी विद यू। हम आपके साथ रहेंगे। माई डैड वेंट टू हिज ऑफिस विद द लैपटॉप। मेरे पापा अपने ऑफिस लैपटॉप लेके गए। तो इस तरीके से अगला वर्ड देखिएगा। अगला वर्ड है एट। एट निश्चित समय के लिए विद पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ होगा वहाँ पे एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 बजे एट 2 o'clock, 4 बजे एट 4 p.m. एग्जाम्पल देखिएगा। आई वॉज बॉर्न एट 2। मैं 2 बजे पैदा हुआ था। ही विल कम होम एट 10 a.m. वो सुबह 10 बजे घर आएगा। अब एट का इस्तेमाल हम करेंगे में पर के लिए, छोटी जगह के साथ, विद स्मॉल प्लेसेस के साथ में हम एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बस स्टॉप में या पर, कुर्सी में या कुर्सी पर, एट बस स्टॉप, एट चेयर। अगर छोटी और बड़ी दोनों जगहों के बारे में बताया गया है तो पहले छोटी जगह एट के साथ और फिर बड़ी जगह के साथ इन के साथ लिखेंगे। बड़ी जगह के साथ में इन और छोटी जगह के साथ में एट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं कहूँ मैं रोहिणी में रहता हूँ जो दिल्ली में है, तो ध्यान दीजिएगा पहले छोटी जगह रोहिणी आएगा, उसके साथ में एट का इस्तेमाल होगा, फिर बड़ी जगह दिल्ली है, उसके साथ इनका प्रयोग किया जाएगा। कुछ इस तरह कहेंगे, आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। अगर मैं कहूँ कि रोहिणी में रहता हूँ तो रोहिणी अपने आप में एक बड़ी जगह होगी, इसलिए मैं कहूँगा आई लिव इन रोहिणी, केवल रोहिणी का जिक्र हो रहा है। अब मैं कहता हूँ आई स्टेड एट अ होटल। मैं एक होटल में रुका। ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। वो बस स्टॉप पर खड़ा था। राहुल वर्क्स एट अ स्टोर। राहुल एक स्टोर में या स्टोर पर काम करता है। अब एट का एक मतलब होता है रात और दोपहर के साथ में भी एट का इस्तेमाल करते हैं, विद नाइट या नून। आई वॉज देयर एट नून। मैं दोपहर में वहाँ था। वी स्टडी एट नाइट। हम रात में पढ़ते हैं। मृत्यु बताने के लिए, सॉरी मूल्य बताने के लिए, मूल्य यानी कॉस्ट, टू टेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग, कॉस्ट बताने के लिए यानी कीमत बताने के लिए, तो वहाँ पे भी एट का इस्तेमाल किया जाता है। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹10 पर केजी। ये फल 10 रुपये किलो बिक रहा है। आई एम बाइंग अनियन एट ₹20 पर केजी। मैं प्याज 10 रुपये किलो खरीद रहा हूँ। किसी त्यौहार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन एनी फेस्टिवल या इवेंट, यानी होली पर, दिवाली पर, जन्मदिन पर या पार्टी में, क्या बोलेंगे, एट होली, एट दिवाली,
एट बर्थडे, एट पार्टी। एग्जाम्पल देखिए, आई विल कम होम एट होली, मैं होली पर घर आऊँगा। आई विल कम होम एट दिवाली, मैं दिवाली पर घर आऊँगा। ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे, वो उसके जन्मदिन पर वहाँ जाएगा। आइए अगला वर्ड है थ्रू। थ्रू का इस्तेमाल करना देखते हैं। टू सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के थ्रू देखना। अगर मैं कहूँ कि मैं खिड़की से तुम्हें देख रहा हूँ, तो वास्तव में मैं खिड़की के पार ही तो देख रहा हूँ, क्योंकि इस तरफ मैं इस तरफ हूँ और तुम उस तरफ हो। इफ आई एम इन ए रूम एंड यू आर आउटसाइड, आई एम एबल टू वॉच यू थ्रू अ विंडो। आई एम दिस साइड एंड यू आर द अदर साइड ऑफ द विंडो। सो इट इज बेसिकली ए सी थ्रू। सी थ्रू एग्जाम्पल देखिएगा, आई कैन सी थ्रू द ग्लास एज इट इज ट्रांसपेरेंट, मैं ग्लास से देख सकता हूँ क्योंकि ये पारदर्शी है। पारदर्शी ग्लास माने आर पार दिखने वाला ग्लास होते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट ग्लास कहते हैं। आई कैन सी थ्रू द ग्लास एज इट इज ट्रांसपेरेंट, मैं ग्लास से देख सकता हूँ क्योंकि ये पारदर्शी है। आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल, मैं इस छेद के जरिए अंदर देख सकता हूँ। जैसे चाबी का छेद होता है दरवाजे में, तो उसकी बात कर रहा हूँ। आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल, मैं इस छेद के जरिए अंदर देख सकता हूँ। आगे देखिए, किसी ऐसी चीज से गुजरना जो ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो। थ्रू मूव थ्रू, यानी यहाँ मैं बताता हूँ क्या होगा। ऐसी चीज से गुजरना जो ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो। टू मूव थ्रू अ स्ट्रक्चर विद लिमिट्स ऑन टॉप बॉटम एंड बोथ साइड्स, जैसे किसी गली से गुजरना। थ्रू अ स्ट्रीट, किसी पाइप से गुजरना। थ्रू अ पाइप, किसी सकरे रास्ते से गुजरना। थ्रू अ नैरो पैसेज। एग्जाम्पल देखिएगा, आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, स्ट्रीट मैं एक गली से गुजर रहा था। वी वेंट थ्रू द अंडरग्राउंड वे, हम भूमिगत रास्ते से गए। वाटर इज पासिंग थ्रू इट्स पाइप, पानी इस पाइप से गुजर रहा है। अगला शब्द देखिएगा, बियॉन्ड। बियॉन्ड का इस्तेमाल देखिए, बियॉन्ड माने के पार, जो दिख ना रहा हो। वेरी फार नॉट विजिबल, बहुत दूर हो और दिखाई नहीं दे रहा हो। अगर मैं कहूँ इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, तो मंदिर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। या फिर से कहूँ, या फिर मैं पूछूं कि नील नदी के पार कौन सा देश है, यहाँ पर भी देश हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी जगहों पर बियॉन्ड का प्रयोग किया जाता है, जैसे देयर इज ए टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है। व्हाट इज देयर बियॉन्ड दैट रिवर, उस नदी के पार क्या है। अब देखिए आगे, ऐसी चीजों के पार जिसे छू या देख नहीं सकते, वहां का भी बियॉन्ड इस्तेमाल किया जाता है। बियॉन्ड समथिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, नाइदर टच नॉर सी, ऐसी वस्तु जिसे हम छू या देख ना सकें। अगर मैं पूछूं कि जीवन के पार क्या है, जीवन को छू या देख नहीं सकते, या फिर मैं कहूं कि उम्मीदों के पार भी एक दुनिया है। उम्मीदों यानी उम्मीद को हम छू या देख नहीं सकते। तो एग्जाम्पल देखें, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के पार कुछ है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव, प्यार के पार कुछ नहीं है, या प्यार के बराबर कुछ नहीं है। आइए
अगला वर्ड देखते हैं वाया, वी आई ए। वाया माने के रास्ते, यानी ब्लूटूथ के रास्ते या ब्लूटूथ से कानपुर के रास्ते या कानपुर होते हुए कहेंगे वाया ब्लूटूथ या वाया कानपुर। एग्जांपल देखिए, दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर। ये ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी। आई सेंट हिम माई पिक्चर वाया ब्लूटूथ। मैंने उसे अपनी फोटो ब्लूटूथ से भेजी। ही केम टू दिल्ली वाया बिजनौर। वो बिजनौर के रास्ते दिल्ली आया। अब एक शब्द है अपोजिट। अपोजिट का अपोजिट के भी यूज बताता हूँ। ठीक सामने दूसरी तरफ, ठीक सामने दूसरी तरफ क्या कहेंगे? अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ या सामने या बिफोर। इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम बिफोर यू, आई एम अपोजिट यू। इन सब का मतलब है मैं तुम्हारे सामने हूँ। आइए अपोजिट का भी इस्तेमाल बताता हूँ। माई होम इज अपोजिट योर शॉप। मेरा घर तुम्हारी दुकान के ठीक सामने है। ही वॉज स्टैंडिंग अपोजिट यू। वो तुम्हारे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग अपोजिट यू। अब यहाँ पे एक अपोजिट माने उल्टा। अपोजिट माने उल्टा या विपरीत। अगर मैं कहूँ कि आप अच्छे हो पर राम कहे कि आप अच्छे नहीं हो, तो इसका मतलब यह है कि ये आपके प्रति राम की सोच मेरी सोच के विपरीत है। इफ़ आई से यू आर गुड बट राम सेज यू आर नॉट गुड, दैट मीन्स राम थिंक्स अपोजिट टू वाट आई थिंक अबाउट यू। जैसे राम डज अपोजिट वाट यू से, जो तुम कहते हो राम उसका उल्टा करता है। हिज थिंकिंग इज अपोजिट योर्स। उसकी सोच तुम्हारी सोच से ठीक उल्टी है। आइए अगला शब्द देखिएगा एबव। एबव माने ऊपर। यहाँ देखिए जैसे लिस्ट में ऊपर, अप इन ए लिस्ट, ऐसी चीज में ऊपर जिसे छू या देख नहीं सकते हो, जैसे प्यार, ईमानदारी आदि। वहाँ भी एबव का इस्तेमाल करते हैं। एबव द एब्स्ट्रैक्ट नाउन सच एज लव, ऑनेस्टी, क्रुएल्टी एसेट्रा। किसी सतह के स्तर से ऊपर। एबव द लेवल ऑफ सम सरफेस। एबव द लेवल ऑफ सम सरफेस। आइए मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से। माई नेम इज एबव योर नेम इन द लिस्ट। माई नेम इज एबव योर नेम इन द लिस्ट। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है। मनी इज एबव लव। प्यार, पैसा, क्या मतलब हुआ? मनी इज एबव लव। पैसा प्यार से ऊपर है, यानी पैसा पहले प्यार बाद में। ओनली हिज आइज वर एबव वाटर। केवल उसकी आंखें पानी के ऊपर थीं। केवल उसकी आंखें पानी के ऊपर थी। आइए अंडर इस वर्ड का भी इस्तेमाल करके बताता हूँ। किसी सतह के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए हुए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुल्ली टच्ड। अगर मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ तो पेड़ की शाखाएं मुझे छू नहीं रही हैं। इसी तरह अगर मैं टेबल के नीचे छिपा हुआ हूँ तो टेबल मुझे पूरी तरह छू नहीं रही। अगर मैं कहूँ कि पत्र तकिए के नीचे है तो इसमें पत्र तकिए को पूरी तरह छू रहा है। यहाँ पर अंडर नहीं, अंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? बीनीथ या अंडरनीथ।
वो इस्तेमाल किया जाएगा। इफ आई से आई एम सीटिंग अंडर द ट्री दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर नॉट टचिंग मी, सिमिलरली आई एम हिडन अंडर द टेबल, अगेन द टेबल इज नॉट टचिंग मी फुल्ली, बट इफ आई से अ लेटर इज अंडर द पिलो इट वुड बी करेक्ट बिकॉज लेटर एंड पिलो आर बींग फुल्ली टच्ड, सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी अ लेटर इज बीनीथ या अंडरनीथ द पिलो। आइए इसके इसके एग्जाम्पल देखिए। राम इज हिडन अंडर द बेड, राम बिस्तर या खाट के नीचे छिपा हुआ है। राम लिव्स अंडर द रूफ बट श्याम डजंट इवन हैव अ हाउस, राम छत के नीचे रहता है पर श्याम के पास तो घर ही नहीं है। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, मम्मी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। अब यहां मैंने बताया था बीनीथ और अंडरनीथ, उनका भी इस्तेमाल बताता हूं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुल्ली टच्ड, ये दोनों आपस में टच कर रहे हो तो क्या होगा, माय हाउस इज अंडरनीथ योर हाउस, मेरा घर आपके घर के नीचे है। जैसे क्या फ्लैट होते हैं, फ्लैट में नीचे वाला मकान ऊपर वाला मकान ऐसे, तो वहां पे माय हाउस इज अंडरनीथ योर हाउस, मेरा घर आपके घर के नीचे है। हर फोटोग्राफ इज बीनीथ माय बुक, उसकी तस्वीर मेरी किताब के नीचे है, बिल्कुल टच करते हुए। अब आइए मैं एक वर्ड बताता हूं बिलो, बिलो माने भी होता है नीचे। बिलो का इस्तेमाल कैसे करेंगे, लिस्ट में नीचे, बिलो इन अ लिस्ट, ऐसी चीज से नीचे जिसे छू या देख नहीं सकते हैं, जैसे प्यार ईमानदारी आदि। बिलो द एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे सच एज लव ऑनेस्टी क्रुएल्टी क्रुएल्टी एक्सेट्रा, किसी सतह के स्तर के नीचे बिलो द लेवल ऑफ सम सरफेस। आइए बताता हूँ, माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है। मनी इज बिलो लव, पैसा प्यार के नीचे है, यानी प्यार पहले पैसा बाद में। हिज माउथ वॉज बिलो वाटर बट नोज वॉज एबव, उसका मुंह पानी के नीचे था पर नाक ऊपर। आइए डाउन का मतलब, डाउन माने होता है नीचे, नीचे की दिशा को दर्शाता है, इंडिकेट द डाउनवर्ड्स मूवमेंट यानी मूवमेंट को बताएगा। प्राइसेस आर गोइंग डाउन यानी गिर रही, कीमतें नीचे जा रही, प्राइसेस आर गोइंग डाउन, कीमतें नीचे जा रही है। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, पानी का स्तर नीचे जा रहा है, तो डाउन का मतलब यहां नीचे जाना। बिटवीन कहां इस्तेमाल करें, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में बिटवीन इस्तेमाल होगा। आइए बताते हैं, सी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव, वो यश और वैभव के बीच में बैठी है। पेन इज लाइंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स, पेन दो कंप्यूटर के बीच में पड़ा हुआ है। अमंग का इस्तेमाल, अमंग माने बीच में, अमंग माने बीच में, वहां बीच में दो लोगों के, यहां दो से अधिक के बीच में, पर तब जब ये बताया गया हो कि कितनों के बीच में है। मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स बट गिवन हाउ मेनी, कितनी। अगर मैं कहूं कि राम 20 लोगों के बीच बैठा है तो यहां पर बताया गया है कि लोग कितने हैं, इसलिए मैं अमंग का प्रयोग करूंगा। पर यदि मैं कहूं कि राम कुछ लोगों के बीच में बैठा है तो यहां पर बताया नहीं गया है कि लोग कितने हैं, इसलिए अमंग का प्रयोग नहीं बल्कि अमंश का प्रयोग किया जाएगा। आइए मैं बताता हूं, ही वॉज अमंग 50 पीपल, वो 50 लोगों के बीच में था। हर फोटोग्राफ वॉज केप्ट अमंग 3 अदर्स आइटम्स,
उसकी तस्वीर तीन और चीजों के बीच रखी हुई थी। अमंगस्ट का मतलब होता है यहां बीच में, दो से अधिक के बीच में, पर जब ये बताया नहीं गया हो कि कितनी है, उनकी संख्या न बताई गई हो, तो अमंगस्ट का इस्तेमाल करते हैं। AMONGST, अमंगस्ट। मोर देन टू ऑब्जेक्ट बट नॉट गिवेन हाउ मेनी, कितनी है नहीं बताया हो। ये कहना कि मैं भीड़ में, भीड़ के बीच में हूं, मैं भीड़ के बीच में हूं, ये नहीं बताता है कि लोग कितने हैं, इसलिए हमें अमंगस्ट का प्रयोग करना होगा। जैसे आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड, मैं भीड़ के बीच में था, मैं भीड़ में था। माई डैडी वॉज अमंगस्ट मेनी पीपल, मेरे पापा कई लोग के बीच में थे। आइए अगला वर्ड बताता हूं, आउट ऑफ। आउट ऑफ माने बाहर निकलना या किसी जगह को छोड़ देना, टू गो आउट या लीव सम प्लेस। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, मैं घर से बाहर निकल रहा हूं। ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली से बाहर जा चुका है। ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली, दिल्ली से बाहर, यानी बाहर की बात। अब अगला आउट ऑफ सर्टेन नंबर्स, जैसे कुछ नंबर दी हुई तो वहां कैसे इस्तेमाल करेंगे। राहुल स्कोर 90 आउट ऑफ 100, राहुल ने 100 में 90 नंबर प्राप्त किया। राहुल स्कोर 90 आउट ऑफ 100। देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 15, 15 में केवल 2 ही विद्यार्थी हैं। देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 15। आइए अगला वर्ड है ऑन, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। ऊपर या पर रखा हुआ होना, वहां ये ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटी ऑब्जेक्ट का रखा होना, अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट ऑन अ बिगर वन, एक छोटी चीज को, छोटी चीज जो है बड़ी चीज के ऊपर रखी हुई, वहां इसका इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल का टेबल के ऊपर रखा होना, मोबाइल टेबल की तुलना में एक छोटी ऑब्जेक्ट है। पेन का किताब के ऊपर होना, पेन किताब की तुलना में छोटी ऑब्जेक्ट है। आइए इसे देखते हैं। पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, पेन टेबल पर रखा हुआ है। रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट, रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। आइए ऑन का इस्तेमाल और बताते हैं। डे और डेट के साथ में भी ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, कोई भी दिन हो उसके साथ में ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तारीख के साथ में भी ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन 25th अगस्त, ऑन 15th अगस्त, ऑन 20th एसेट्रा। आई वेंट ऑन संडे, मैं संडे को गया। ही केम ऑन 20th दिसंबर 12, वो 20 दिसंबर 2012 को आया। तो डे और टाइम के बीच में, टाइम के पहले ऑन लगाते हैं। अब सर्टेन साइड, बाईं तरफ दाईं तरफ कोई साइड होगा वहां पे भी ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दाईं तरफ ऑन द राइट, बाईं तरफ ऑन द लेफ्ट। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, मैं दाईं ओर खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट, मैं बाईं ओर खड़ा था। अगला वर्ड है अपान या अनटू, अपान या अनटू, इसका मतलब होता है ऊपर। एक छोटे ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में गतिशील होकर के एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आना, एक छोटी ऑब्जेक्ट का गतिशील माने गति करके फिर छोटी बड़ी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाना, वहां पे अपान का इस्तेमाल करता है या ऑन टू का इस्तेमाल करता है, किया जाता है। अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट शोइंग अपवर्ड्स मूवमेंट टू कम ऑन ए बिगर ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूं एक बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, तो बिल्ली ने ऊपर की तरफ छलांग लगाई,
तो फिर वो टेबल के ऊपर आ गई, यानी ऐसे उसने किया और टेबल के ऊपर आई। एक और बात है, माना कि एक बंदर जमीन पर बैठा था और उसने ऊपर की ओर छलांग लगाई और पेड़ के ऊपर आ गया, तो वहां भी अपान या आंटू का इस्तेमाल करने। आई जम्प्ड ऑनटू द हॉर्स, मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया। ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। आइए अगला वर्ड है अगेंस्ट। अगेंस्ट माने विरुद्ध या विरोध में, अपोजिट। क्या कहेंगे? Why is Ram against you? राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है? Why is Ram against you? राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है? About, about माने बारे में। इसका भी आपको एग्जाम्पल देखें। He is talking about me. He is talking about me. वो मेरे बारे में बात कर रहा है। Of, of माने होता है का, शो द रिलेशन, यानी यहाँ संबंध के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। ही इज द ब्रदर ऑफ राम, ही इज द ब्रदर ऑफ राम, वो राम का भाई है। आइए अगला वर्ड है टू। टू माने को, किसी जगह को, एक जगह से दूसरी जगह को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वहां पे टू का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सीता इज कमिंग टू आवर होम, सीता इज कमिंग टू आवर होम, सीता हमारे घर आ रही है। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स माने की तरफ। अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ तो ये जरूरी नहीं कि मैं स्कूल जाऊँ, हो सकता है कि स्कूल के रास्ते में ही आगे मेरे दोस्त का घर भी हो और मैं वहीं जा रहा हूँ, इसलिए टू स्कूल मतलब स्कूल का जाना हुआ और टुवर्ड्स स्कूल का मतलब होता है स्कूल की तरफ जाना, पर पता नहीं स्कूल जाऊंगा कि दूसरी जगह जाऊंगा। तो देखिए, आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। जैसे कोई कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, हॉस्टल तरफ जा रहा हूँ। ये हॉस्टल में हॉस्टल तरफ जा तो रहे, हो सकता किसी दोस्त की तरफ चले जाए, हो सकता अपने ऑफिस चले जाए। तो ये होता है टुवर्ड्स माने निश्चित नहीं कि वहाँ जाए। मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। ही वॉज कमिंग टुवर्ड्स यू, वो तुम्हारी तरफ आ रहा था, वो तुम्हारी तरफ आ रहा था। जैसे जैसे किसी कहते हैं वो तुम्हारी तरफ आ रहा था, ही वॉज कमिंग टुवर्ड्स यू, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। ये होता है ना ओवर, ओवर माने होता है ऊपर बिना छुए, एबव विदाउट टच, उसको ओवर बोलते हैं। आई जम्प्ड ओवर द रोप, रोप को हम कहाँ छुपाते हैं, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा। आई जम्प्ड ओवर द रोप, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा। देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स, हमारे सिर के ऊपर छत है, तो छत हम कहाँ छुपाते हैं अगर वो ऊपर होती है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, यानी रिवर को कहाँ छूती है लेकिन उसके ऊपर होती है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर एक पुल है। अब बताऊंगा अगला वर्ड विदिन। विदिन कैसे, समयावधि के अंदर, विदिन ए टाइम पीरियड, वहां पे विदिन का इस्तेमाल हो गया। आई विल कम विदिन फाइव मिनट्स, विदिन फाइव मिनट्स, मैं पांच मिनट में आ जाऊंगा। आई विल कम विदिन फाइव मिनट्स, विदिन का मतलब समय के साथ में, समय की एक पीरियड है। आई विल कम विदिन फाइव मिनट्स, मैं पांच मिनट में आ जाऊंगा। ही हैज कम बैक विद इन जस्ट टू डेज, वो दो दिन में ही वापस आ गया है। अब मैं अगला वर्ड बताता हूं देन, यूज्ड फॉर कंपैरिजन, तुलना के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन, टी एच ए एन देन, आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे बेहतर हूं, यह तुलना किया जाता है। वी आर टालर देन ही, हम उससे लंबे हैं। वी आर टालर देन
ही हम उससे लंबे हैं। आइए अगला वर्ड देखते हैं, थ्रू आउट। थ्रू आउट माने सारा या पूरा। थ्रू आउट माने सारा या पूरा, जैसे सारे दिन भर या पूरी जिंदगी भर क्या कहेंगे, थ्रू आउट द डे या थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द डे माने सारे दिन या थ्रू आउट दी लाइफ माने सारी जिंदगी। क्या कहेंगे, आई लव्ड हिम या हर थ्रू आउट माई लाइफ, मैंने जिंदगी भर से प्यार किया। आई लव्ड हिम, मैंने उसे प्यार किया थ्रू आउट माई लाइफ, पूरी जिंदगी, पूरी अपनी पूरी जिंदगी उसे प्यार किया। वी वर्क थ्रू आउट द नाइट, हमने रात भर काम किया। आइए अगला वर्ड है विदाउट। विदाउट माने बिना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। अगला वर्ड है अप। अप माने ऊपर। प्राइसेस आर राइजिंग अप, कीमतें बढ़ रही हैं। बैलून इज गोइंग अप, गुब्बारा ऊपर जा रहा है। अपवर्ड्स ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स माने ऊपर की तरफ। ही थ्रू द स्टोन अपवर्ड्स, ही थ्रू द स्टोन अपवर्ड्स, उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका। डाउनवर्ड्स माने नीचे की तरफ। ही थ्रू द स्टोन डाउनवर्ड्स, उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका। अगला वर्ड है अगो। अगो माने पहले, समय के साथ। समय जब होगा वहां पे पहले, जैसे ही केम 2 years एगो, वो 2 साल पहले आया। राम हैड डन बीटेक 6 years एगो, राम ने बीटेक 6 साल पहले किया था। इनसाइड, इनसाइड माने अंदर। बी इन एन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, अंदर की तरफ, किसी बंद आकृति के अंदर, किसी बंद आकृति के अंदर। बी इन एन इनक्लोज स्ट्रक्चर, अगर मैं कहूं कि आप घर के अंदर हैं तो आप भी, तो आप इनसाइड तो हैं, क्योंकि घर भी एक बंद आकृति है। होम इज आल्सो अ काइंड ऑफ इनक्लोज स्ट्रक्चर, सो इफ यू आर इन होम मीन्स यू आर एक्चुअली इनसाइड। क्या कहा जाएगा, एग्जाम्पल देखिए, वॉट इज इनसाइड द कंप्यूटर, वॉट इज इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या है। ही वॉज इनसाइड, वो बाहर था, एंड आई वॉज आउटसाइड, वो अंदर था और मैं बाहर था। अगला एग्जाम्पल देखिए, आउटसाइड, बाहर की तरफ, किसी बंद आकृति के बाहर। टू बी आउट ऑफ एन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम, वो घर के बाहर खड़ा था। ही वॉज आउटसाइड द स्कूल प्रीमाइसेस, वो स्कूल परिसर के बाहर था। अब आगे देखिए, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट टू, एडजेसेंट या बिसाइड या बाई, इसका मतलब होता है बगल में। वो मेरे बगल में खड़ा था, वो मेरे बगल में खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, या कहेंगे ही वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट मी, या ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड या बाई मी। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये इसका मतलब होता है बगल में। आइए अगला वर्ड है बिहाइंड। बिहाइंड माने पीछे। आइए इसका भी सुनिए, आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू, मैं लाइन में राम के पीछे था। देयर इज नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, देयर इज नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है। देयर इज नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। अहेड ऑफ, अहेड ऑफ माने आगे।
लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ और अहेड का प्रयोग कहाँ करना है। सोचो आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके आगे एक आदमी खड़ा है, उसकी पीठ आपकी तरफ है इसलिए वो आपके आगे है। इसे अहेड कहेंगे और आप उसके पीछे यानी बिहाइंड। पर अगर आप किसी से बात कर रहे हों उसको देखते हुए तो आप उसके इन फ्रंट ऑफ यानी सामने होंगे। अहेड ऑफ का एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू, मैं लाइन में राम के आगे था। देर इज नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम, उसके आगे कोई नहीं खड़ा था खड़ा है। एक्सेप्ट माने छोड़कर के अलावा, EXCEPT, एक्सेप्ट माने को छोड़कर या अलावा। दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, ये दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है। आई कैन स्कॉल्ड एनी वन एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हारे अलावा मैं किसी और को भी डांट सकता हूँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी और को भी डांट सकता हूँ। अगला वर्ड है बिसाइड्स, बिसाइड्स माने अतिरिक्त या एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा के अतिरिक्त। डू यू ईट एनी थिंग एल्स बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त कुछ और खाते हो क्या। डू यू ईट एनी थिंग एल्स बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त कुछ और खाते हो क्या। अब ड्यूरिंग का भी समझ लिए, ड्यूरिंग का होता है के दौरान, इन ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टियों के दौरान मैं दिल्ली में था। वी कैन मीट सचिन ड्यूरिंग द ब्रेक, हम ब्रेक के दौरान सचिन से मिल सकते हैं। आइए वर्ड है टिल या अंटिल, इसको कहते हैं तक, समय के साथ दिन के साथ, वहाँ विद टाइम, विद अ डे एक्सेट्रा इसके साथ में लगाते हैं। आई विल वर्क टिल 9, मैं 9 बजे तक काम करूँगा। वी स्टेड टिल मंडे, हम सोमवार तक ठहरे। आई वॉज देयर अंटिल सैटरडे, मैं शनिवार तक वहाँ था। टिल या अंटिल दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अप टू माने तक, किसी दूरी तक, अप टू सर्टेन डिस्टेंस, या किसी जगह तक, अप टू सर्टेन प्लेस, या किसी उम्र तक, अप टू सर्टेन एज, इनका भी एग्जांपल देखिए। आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून, मैं बस देहरादून तक गया। सीता रैन अप टू 5 किलोमीटर्स, सीता 5 किलोमीटर तक दौड़ी। यू शुडंट कीप मोबाइल अप टू 18, तुम्हें 18 की उम्र तक मोबाइल नहीं रखना चाहिए। अगला वर्ड है अराउंड, अराउंड माने चारों ओर, कवर्ड इन ऑल डायरेक्शन, जो चारों डायरेक्शन में घिरा हुआ हो। जैसे पीपल वर अराउंड मी येट आई वॉज लोनली, लोग मेरे चारों ओर थे फिर भी मैं तन्हा था। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। अगला वर्ड है अलॉन्ग, ALONG, अलॉन्ग माने साथ में, विद अ पर्सन या थिंग। विल यू कम अलॉन्ग, क्या तुम साथ आओगे। विल यू कम अलॉन्ग, क्या तुम साथ आओगे। यू विल गेट दिस पेन अलॉन्ग द मोबाइल, यू विल गेट दिस पेन अलॉन्ग द मोबाइल, तुम्हें ये पेन मोबाइल के साथ मिलेगा। अगला वर्ड है अलॉन्ग साइड,
इसका मतलब होता है किनारे साथ में, जैसे नदी के साथ में लगी हुई एक रोड, अ रोड अलोंग साइड द रिवर, सड़क के किनारे साथ में लगी हुई एक कार, अ कार पार्क्ड अलोंग साइड द रोड, जैसे